हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो फाइनली सीजी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। आप सभी ने अपना मार्क्स देख लिए होंगे, ठीक है, जो कि सीजी व्यापम के थ्रू आते हैं, ठीक है। और अब सबके माइंड में एक डाउट आ रही है कि आखिर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो इस वीडियो में हम उसी बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, काउंसलिंग कैसे करना है पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सीजी व्यापम से रिलेटेड जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल में मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सीजी व्यापम की तरफ से रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, ठीक है, और आप सभी को अपना मार्क्स मिल गया होगा। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो काम होता है वो काउंसलिंग का होता है। तो काउंसलिंग प्रोसेस जो होती है उसको अरेंज करने के लिए हमारे काउंसलर को कुछ वक्त चाहिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1 वीक या 10 डेज तक उनको टाइम चाहिए काउंसलिंग अरेंज कराने के लिए। अगर कोई काम वहां पे ऑलरेडी पेंडिंग हो तो ये आपका डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, और अगर कोई भी काम वहां पे ऑलरेडी पेंडिंग ना हो तो आपको 1 वीक मीन 7 डेज टू 10 डेज का टाइम लगते हैं, ठीक है। तो वहां पे डिपेंड कर रहा है, अगर अभी क्लियर है वहां का जो काउंसलर है, वहां पे अभी कोई भी वर्क पेंडिंग नहीं है, तो आपका 7 टू 10 डेज के अंदर काउंसलिंग का डेट्स आ जाएगी, ठीक है। और अगर कोई काम वहां पे पेंडिंग है तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो चांस है कि इस महीने के एंड तक आपको आपका डेट मिल जाएगा काउंसलिंग का, कब काउंसलिंग करना है। और जैसे ही ये डेट्स आएगी कंफर्म, हम अपने चैनल पे आप तक वो शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चैनल से बने रहिएगा, और काउंसलिंग बहुत ही जल्दी होने वाला है। आप मान के चलो एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। और अगर इन केस कोई वर्कलोड रहा है वहां पे, तो ये आपका डेट्स एक्सटेंड होके दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक तक कंफर्म है आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।